हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 23 बाई 45। 23 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 45 फीट प्लॉट की लंबाई है। नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो हमारे पास है 23 फीट। 23 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 45 फीट। 45 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर प्लान, और इसके बाद मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रहा है 6 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट x 9 फीट है। 10 बाई 9 का यहाँ पर हमारा पार्किंग एरिया है और इस तरफ हमने 4 फीट ओपन बालकोनी छोड़ रखी है सामने, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 4 इंच x 6 फीट। 5 फीट 4 इंच x 6 फीट का हमारे पास ये कॉमन टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट x 21 फीट है। 11 फीट x 21 फीट का ये हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया है, जिसकी विंडो 6 फीट की बड़ी सामने निकल रही है। अब इस डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर यहाँ पर आपका सोफा लग जाएगा, यहाँ पर टी टेबल, यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपकी डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट x 3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा ओपन किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट x 12 फीट है। 8 बाई 12 का हमारा ओपन किचन है, जिसके अंदर यू टाइप के अंदर आपका स्लैब लग जाएगा वर्किंग, और इस किचन की 3 फीट की विंडो हमने पीछे दक्षिण दिशा के अंदर बालकोनी विथ वॉश एरिया छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट x 15 फीट। 5 बाई 15 का ये वॉश एरिया, जिसके अंदर हमारी किचन की 3 फीट की विंडो निकल रही है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट x 12 फीट 9 इंच। 12 फीट x 12 फीट 9 इंच का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा, और इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो हमारे पास इस वॉश एरिया के अंदर निकल रही है, और इसके अंदर जाने के लिए हमारे पास इस बेडरूम से 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है, और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट x 6 फीट। 5 बाई 6 का ही हमारा अटैच टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे वो सही एरिया के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा, यहाँ पर 6 फीट का मेन गेट, ये पार्किंग, यहाँ पर ये 4 फीट का ओपन, और फिर ये घर का मेन डोर, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयर केस हो गया, ये किचन, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, और यहाँ पर हो गया बालकोनी और वॉश एरिया, और इस बेडरूम की 3 फीट की विंडो भी यहाँ पर पीछे वॉश एरिया के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं अब आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर, जिसके अंदर यहाँ पर हम जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर सब करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर हम जैसे ही डाउन होंगे तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर सेम 2.5 फीट का दरवाजा, भी हमारा कॉमन टॉयलेट आ गया, इसका वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। ये यहाँ पर जो 4 फीट का दरवाजा था, ऊपर हमने 3 फीट का दरवाजा दिया है, और यहाँ पर हमने बालकोनी बनाई है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट x 10 फीट। यहाँ पर आप सामने खड़ा होकर आपका जो सामने का व्यू है वो आप देख सकते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 फीट x 10 फीट की बालकोनी बनाई है। आप 5 फीट चौड़ाई के अंदर, तो यहाँ पर आप कुर्सी वगैरह भी लगा सकते हो आराम से, ठीक है। अब वापस इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा बेडरूम है, जिसके हमारे पास साइज है 11 फीट x 13 फीट। 11 बाई 13 का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगी, और इस बेडरूम की 6 फीट की विंडो भी सामने निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी लॉबी हो गई, और इस तरफ हमारा हुआ पूजा रूम, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट x 7 फीट 3 इंच। 5 फीट x 7 फीट 3 इंच का हमारा पूजा रूम हो गया। पूजा रूम की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट x 15 फीट है। ये 12 बाई 15 का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा आपका, और फिर इस बेडरूम की 5 फीट की विंडो हमने पीछे यहाँ पर देखिए हमारे पास 2.5 फीट चौड़ाई के अंदर हमारी बालकोनी है, यहाँ पर जिसके अंदर निकल रही है, और इस बालकोनी के ऊपर जाने के लिए भी हमारे इस बेडरूम से यहाँ पर देखिए हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है, और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर हमने ड्रेसिंग दे रखा है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट 9 इंच x 5 फीट 7 इंच। और यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, और इसके अंदर अटैच टॉयलेट भी दे रखा है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट 9 इंच x 6 फीट है। 5 फीट 9 इंच x 6 फीट का ये हमारा अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी हमारा पीछे बालकोनी के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सामने फ्रंट के अंदर ओपन रहेगा, यहाँ पर बालकोनी हो गई, ये बेडरूम, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट,
ये स्टेयर केस, यहाँ पर पूजा रूम, और यहाँ पर ये दरवाजा 3.5 फीट का, और ये हमारा मास्टर बेडरूम, यहाँ पर इसका अटैच ड्रेसिंग, अटैच टॉयलेट, और यहाँ पर ये पीछे बालकनी हो गई। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।